आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स का बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, मींस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साथ में बैलेंस शीट बनानी है कुछ एडजस्टमेंट के साथ। इसके पहले जो क्वेश्चन हमने किए उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थे, बट यहाँ पे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा IMP क्वेश्चन है, तो प्लीज़ यार इसको अच्छे से समझिएगा। एक भी वीडियो इसको मतलब एक भी सेकेंड स्किप मत करिएगा, वरना आपका कॉन्सेप्ट निकल सकता है। तो ये रहा क्वेश्चन, तो हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, बाकी ये क्वेश्चन तो हमें बन जाएगा, है ना। सैलरीज 150 एंड टैक्सेस 15 हैज यट टू बी पेड, बट इंश्योरेंस एट प्रीपेड। मतलब सैलरी टैक्सेस आउटस्टैंडिंग और इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीपेड माइनस होता है ना। गुड्स वर्थ ₹120 वर रिटर्न बाय अ कस्टमर एंड टेकन इन टू स्टॉक, बट नो एंट्री देयर वॉज मेड इन द बुक्स। क्या हुआ है कि कोई कस्टमर है जिसने रिटर्न कर गया है 120 का गुड, बट उसकी कोई एंट्री यहाँ पर नहीं ली गई है, तो उसको हमें तोड़ निकालना है कि अब हम क्या करें। कमीशन 115 हैज़ बीन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस है कमीशन। डेप्रिशिएट करना है बिल्डिंग को, मेक अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। स्टॉक है हमारे पास, ये क्लोजिंग है। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम वेजेस अमाउंटेड ₹110, गुड्स इन ट्रांसिट ₹200। उसी के साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा हिंट में दिया हुआ है, गुड्स वर्थ ₹120 रिटर्न बाय कस्टमर इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स एंड डेप्टर्स। डेप्टर्स जो हम असेट्स साइड लिखते हैं उससे हमें इसको डिडक्ट करना है, और सेल्स से डिडक्ट करना है। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ऑन डेप्टर्स एट द रेट 3% इज टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ ₹120। हमें जो बैड डेप्ट है, जो डेप्टर्स है उस पर जो हम बैड डेप्ट प्रोविज़न निकालते हैं, उसमें से 120 लेस करना, उसके बाद उसको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम बैलेंस शीट वगैरह सब बनाना है, जिससे क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो चलिए सबसे पहले तो हमें बनाना पड़ेगा क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हेडिंग वगैरह डाल लीजिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले आएगा टू स्टॉक या टू ओपनिंग स्टॉक, जो कि हमारे पास 2200 का दिया है। इसी के साथ है टू परचेजेस, यहाँ पे कोई परचेज रिटर्न हमें गिवन नहीं है, परचेजेस है ₹12,000 का। इसी के साथ है हमारे पास टू वेजेस, वेजेस है हमारे पास कितने का, 400 का है, लेकिन वहां लिखा है आफ्टर डिडक्शन टैक्स, तो टैक्स कितने रुपीस का है, 10 रुपीस का है। तो टैक्स को क्या करना पड़ेगा, वेजेस में ऐड करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 410 रुपीस, यहां लिख लीजिए प्लस 10। इसी के साथ दिया है टू फ्रेट, टू फ्रेट, फ्रेट मीन्स भाड़ा, इन हिंदी भाड़ा, कितने का है, 140 रुपीज़ का। इसी के साथ दिया है हमारे पास बाय सेल्स, तो हमने सेल्स के लिए एक लाइन पढ़ी थी कि उसमें से 120 को हमको क्या करना है, लेस करना है। सेल्स है 15,800 का, जिसमें से 120 चला जाएगा, तो ये बचेगा 15,680 का। कितने का बचेगा ये, 15,680 रुपीज़ का बचेगा। इसी के बाद है बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमारे पास 3,500 का। मैं इसको थोड़ा सा स्पीड से इसलिए करा रही हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए थे, जिसमें आपको बहुत ही इजी वे में, मतलब बहुत ही ज़्यादा रुक रुक के पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा के मैंने करवाया था। तो इस बार थोड़ा सा स्पीड, मतलब 0.2% मैंने स्पीड बढ़ा दी है, ताकि आप थोड़ा सा अपने से भी करने की कोशिश कर सकें 2 GP, वरना वीडियो जो है वो लंबी हो सकती है। इधर का टोटल है हमारा 19,180, इसमें से ये लेस कर देंगे तो GP निकल के आएगा 4,430 रुपीज़, और हमारा टोटल हो जाएगा इक्वल। उसी के बाद बताया था कि GP अगर इधर है तो हम उसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, बाय GP 4,430 रुपीज़। इसी के साथ हमारे पास दी हुई है सैलरी टू सैलरी 150 प्लस आउटस्टैंडिंग
है हमारे पास 150, सॉरी सैलरी एक्चुअल में हमारे पास दी हुई है 1600 की। कितने की दी हुई है? 1600 की। आउटस्टैंडिंग है 150, ये हो जाएगा 1750। इसी के बाद है टू टैक्सेस, टैक्सेस में भी आउटस्टैंडिंग है हमारे पास कितना? 50 रुपीज, है ना। टैक्सेस में क्या है हमारे पास? 50 रुपीज। और इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड है। तो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है, इंश्योरेंस प्रीपेड है। तो यहाँ पे लिया है टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। तो ये हमारे पास दिया हुआ है कितने का? 400 का। अगर इसमें आउटस्टैंडिंग टैक्सेस प्लस करें और प्रीपेड माइनस करें तो ये जग घूम फिर के 400 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग नहीं दिया है, एक ही साथ नाम लिख के दिया है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास 800 रुपीज का। उसी के बाद है टू बैड डेब्ट, टू बैड डेब्ट जो वाले जो हैं ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है 250 के, इसलिए हम यहाँ पे कोई जो वर्क है वो नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। इसी के साथ है टू डेप ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग आपके पास गिवन है 4720 की, जिसपे 10% कमी वो लगाना है डेप्रिशिएशन, तो ये आ जाएगा 472। इसी के साथ है टू बैड डेप्स, ये कौन से बैड डेप्स है? न्यू वाले बैड डेप्स है, वो कैसे निकालना वो मैं आपको करके बताऊंगी, क्योंकि ये वर्किंग नोट जब आप करेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ काम आएगी। तो देखिए, सबसे पहले आप डेप्टर्स देखिए कितने के हैं। तो आपके डेप्टर्स है 2100 के, जिसमें से आपको 120 लेस कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 लेस करने के बाद ये हो जाएगा 1980 में आपको 3% चार्ज करना है। क्या करना है? 3% चार्ज करना है, जो कि आ जाएगा 59.4। तो आप लिख देंगे टू बैड डेब्ट्स न्यू वाले 59.4। इसी के बाद आपको कुछ भी नहीं है, इसके बाद आप इस तरफ आ जाइए। जीपी हम लिख चुके हैं बाय कमीशन, कमीशन में आपको 670 दिया हुआ है, और कमीशन के लिए भी लाइन कही गई थी शायद, देखिए कमीशन के लिए आपको हाँ कहा गया है 150 जो है वो एडवांस है, तो लेस कर दीजिए 150, 520 आ गया। इसी के बाद आपके पास इंटरेस्ट है बाय इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट दिया हुआ है इसलिए मैं और आगे नहीं बोल रही, ये 40 रुपीज़ आ गया। अब चलिए कर लेते हैं टोटल। तो टोटल है हमारा क्रेडिट साइड का 4,990 रुपीज़, इसी में से ये सारी चीज़ें लेस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 1,258.6 और हमारा टोटल हो जाएगा 4,990। इसी के साथ अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया है। अब हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कैश, कैश है हमारे पास 200 का, फिर है बैंक 2000 रुपीज़ का, डेप्टर्स 2100 का है, लेस कर देंगे हम क्या गुड्स जो रिटर्न हुए थे 120 के, फिट कितना बचेगा हमारा? ये जो मैंने ये ऊपर आपको ये जो बताया था वर्किंग नोट, यही आपको कर देना है। 2100 में से ये गए तो 1980 बचे, 3% निकला तो ये बचेगा। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 2100 में से ये लेस कर दे रहे हैं, फिर यहाँ पे बैड डेब्ट्स के नाम से लिख देंगे 59.4 जो कि लेस हो जाएंगे, तो ये बचेगा 1920.6। इसी के बाद है बिल्डिंग 4720, डेप 472, 4248, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारा 50 का, क्लोजिंग
स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 3500 का। इसी के बाद है हमारा गुड्स ऑन ट्रांसिट। हाँ तो फ्रेंड्स, क्लोजिंग स्टॉक के बाद यहाँ पे आ जाएगा गुड्स इन ट्रांसिट, जो कि हम यहाँ पे दोनों साइड लेंगे, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड 200 रुपीज़ का। फिर ये आ जाएगा क्रेडिटर 1540 का, बिल्स पेबल 450 का, मतलब 450 का है। फिर कैपिटल दिया हुआ है गिवन 9000 का। इसी में हमें नेट प्रॉफिट अगर कुछ है तो उसको प्लस कर देना है, और जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग जो प्रोपराइटर निकाल लेता है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको लेस कर देना है 690 का, और इसको प्लस कर देना है। तो यहाँ का टोटल हो जाएगा 9568.6। इसी के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 150, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस है 50 रुपीज़ का। फिर प्रीपेड कमीशन है हमारे पास कितने का, 150 का। इसी के बाद मैंने आपको बताया कि गुड्स ऑन ट्रांसिट जो है वो दोनों साइड लिया जाएगा। अगर आप दोनों साइड नहीं लेना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको दोनों साइड ले रहे हैं तो दोनों का टोटल तो बराबर ही हो जाए। मतलब ये कि अगर हम दोनों साइड ले रहे हैं तो वो तो निल ही कहलाएगा ना, इसका तो कोई मतलब कहलाएगा ही नहीं। तो आपको जैसा करना है आप कर सकते हैं, 200 रुपीज़ का। उसी के बाद है आउटस्टैंडिंग वेजेस। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये जो बैलेंस शीट बनाने का तरीका है बहुत ही इजी वे में समझ में आ गया होगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस हमारी चाहते हैं तो हमारे चैनल की यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, ताकि हमारा भी यूट्यूब चैनल जो अपनी फैमिली जो अपनी बन रही है ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बन सके। प्लीज़ यार अपने फ्रेंड्स तक भी रेफ़र करिए वीडियो को, प्लीज़ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टा फेसबुक सब जगह हम अवेलेबल है, प्लीज़ जाके हमें वहाँ पर भी फॉलो करिए। आप तो मतलब कुछ सपोर्ट ही नहीं दिखा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि मैं दिन रात मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, और आप समझ सकते हैं कि एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लग सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखाते रहा करो।